दोस्तों थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, जियो आईयूसी चार्जेस नहीं हटाने वाला। यस दोस्तों, क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, जियो आईयूसी चार्जेस नहीं हटाने वाला। अगर आप उन लोगों में से, उन जियो यूजर्स में जिनको ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में जियो आईयूसी चार्जेस यहां पे हटा देगा, तो हो सकता है आपको निराशा हाथ लगे। दोस्तों क्यों हटाने वाला नहीं, उसके बारे में बात करेंगे, और क्या है दोस्तों पूरा का पूरा आईयूसी का खेल, उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों फाइनल क्वेश्चन, क्या हमें टाइम आ चुका है कि जियो को पोर्ट करके दूसरे में जाना चाहिए, एयरटेल या वोडाफोन में, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आईयूसी का खेल जियो ने ही स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। जो 2019 के अंदर जैसे ही आईयूसी का नाम आया, लोगों को पता ही नहीं था, रातों रात दोस्तों इस तरह से हुआ कि जियो का एक वीडियो चलने लगा, उसने बताया कि कल से हम यहां पे आईयूसी चार्जेस लगाने वाले हैं। आईयूसी चार्जेस को सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्जेस बोला जाता है। अगर जियो वाला कस्टमर एयरटेल वाले कस्टमर को कॉल करता है, तो कॉल जहां पे गई, जैसे एयरटेल पे कॉल गई, तो जियो को यहां पे 6 पैसा पर मिनट एयरटेल को यहां पे देना पड़ेगा। सीधे सीधे शब्द में यह है, मतलब जिस नेटवर्क से कॉल जिस नेटवर्क पे जाती है, तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क जिस पे कॉल गई है उसका नेटवर्क भी यूज होता है, तो उसको यहां पे उसको पैसा देना पड़ता है। जियो से कॉल गया एयरटेल पे, तो जियो को 6 पैसा पर मिनट यहां पे एयरटेल को देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आईयूसी चार्जेस होते हैं। जियो ने जब लगाया था, क्लियर बोल दिया था कि पिछले 3 साल से, यानी 2016 से 17, 18, 19 ऑलमोस्ट, तो हमारे यहां पे 3 साल के अंदर हमारे 14,000 करोड़ यहां पे आईयूसी चार्जेस चले गए। ज्यादातर हमें यह होता है क्योंकि हम नंबर वन नेटवर्क हैं, तो एयरटेल आइडिया वोडाफोन वाले सिर्फ मिस कॉल मारते हैं, करोड़ों मिस कॉल हमारे नेटवर्क पे आती है, और हम यहां से हमारे जो नेटवर्क से, क्योंकि फ्री कॉल थे अनलिमिटेड, तो हमारे बंदे यहां पे कॉल करते हैं, उन्हें नेटवर्क फ्री है, लेकिन उसके बावजूद हम यहां पे कॉल करते हैं, तो हमें आईयूसी चार्जेस देना पड़ता है। 14,000 करोड़ समथिंग हमने पैसा दिया है। जियो का सबसे बड़ा ये एक्सप्लेनेशन था आईयूसी चार्जेस लगाने से पहले। फिर जियो ने एक और गोली आपको दी कि ये बोला कि आपको जो ट्राई जो है 2020 की शुरुआत है, इस जनवरी से, 1 जनवरी से यहां पे आईयूसी चार्जेस को जीरो करने वाला है, क्योंकि उन्होंने 2017 में 14 पैसे से इसको 6 पैसा किया, फिर इसको जीरो करने की बात चली थी कि 2020 की शुरुआत में जनवरी में इसको जीरो कर देंगे। तो जैसे ही ट्राई जीरो करेगा, हम भी जीरो कर देंगे, लेकिन ट्राई ने तो क्लियर कर दिया कि हम इसको जीरो नहीं करने वाले आने वाले 1 साल तक, मतलब 2021 तक, या 2020 पूरा साल चला जाएगा, 2021 की शुरुआत में ट्राई ने बोला है दोस्तों, जिस तरह से पहले बोला था नहीं हुआ, अब ट्राई ने बोला है कि 2021 की शुरुआत में हम इसको जीरो कर देंगे। क्यों? क्योंकि तब तक सारे के सारे नेटवर्क यहां पे 4G हो जाएंगे। इसको ना करने का एक रीजन ट्राई की तरफ यह था कि यहां पे एयरटेल आइडिया वोडाफोन ट्राई के पास गए, वहां पे गुहार लगाई, अपनी रिक्वेस्ट करी कि हमारे अभी भी 40 से लेकर 60% सब्सक्राइबर 2G नेटवर्क को यूज करते हैं, 4G नहीं है। जियो इकलौता ऐसा नेटवर्क है जो 4G LTE पे काम करता, तो वो आराम से सारी चीजों को मैनेज कर सकता, लेकिन हमारे अभी भी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जहां पे अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह कुछ भी नहीं आता है, वहां पे चार्ज लगता है, और इसलिए हमें 100% 4G हो जाए तब तक आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यहां पे 2021 की डेडलाइन दी गई है फिलहाल, तब शायद तक आपका आईयूसी चार्जेस जीरो हो जाए। तो ट्राई ने तो डिक्लेयर कर दिया कि आईयूसी चार्जेस जीरो नहीं होगा, लेकिन यहां पे जियो को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था दोस्तों? उसमें सबसे बड़ा एक चीज निकल के आती थी कि कुछ दिनों से बात निकल के आ रही थी, क्योंकि जियो ने जब यहां पे आईयूसी चार्जेस लगाए थे तो यह दावा किया था कि 1,000 करोड़ का हमें नुकसान यहां पे हुआ पिछले 3 साल में, लेकिन बीच में एक रिपोर्ट आई थी ट्राई की जहां पे क्लियर बताया गया कि अब यहां पे उल्टा यहां पे हो रहा है, क्योंकि एयरटेल आइडिया वोडाफोन ने दोस्तों आईयूसी चार्जेस नहीं लगाए, उनको नुकसान भी है, हालांकि उन बेचारी कंपनी की हालत खराब है, और अभी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है जिनपे 90,000 करोड़ से ज्यादा वो कर्ज है, AGR का ड्यूज है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आईयूसी चार्जेस नहीं लगाए, उनके नेटवर्क पे आप अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं, और जियो जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर, लेकिन अभी भी वो यहां पे आईयूसी चार्जेस लगा रहा है, इसलिए तो ज्यादातर लोग दोस्तों वहां पे कॉल करते हैं। अब उल्टा होने लगा कि यहां पे एयरटेल आइडिया वोडाफोन वाले जो है डायरेक्टली यहां पे जो जियो है वो उसको मिस कॉल मारता है और वहां से कॉल्स यहां पे आते हैं। अब पंगा ये हो रहा है कि एयरटेल आइडिया वोडाफोन के नेटवर्क से जियो पे कॉल्स आते हैं, तो जियो को आईयूसी यहां पे मिनट्स मिलते हैं, आईयूसी चार्जेस के पैसे मिलते हैं। बीच में एक रिपोर्ट का दावा ये था कि एयरटेल आइडिया वोडाफोन जैसी कंपनियां पे 1,000 करोड़ समथिंग यहां पे पूरे साल का यहां पे जियो को देगी, तो ये अब उल्टा होने आया है। पहले यहां पे जियो आईयूसी के नाम पे यहां पे पैसा उनको देता था, पैसा कमा रहा है, मतलब अब इनकम बन चुकी है। तो एक तो सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि जियो को अब यहां पे आईयूसी चार्जेस हटा देना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों ये कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि 2020 की शुरुआत से पहले ही, मतलब दिसंबर में ही सारी की सारी कंपनियों ने यहां पे टैरिफ्स को हाइक कर दिया था। सबसे पहले एयरटेल आइडिया वोडाफोन आए, उसके बाद जियो भी इसके अंदर आ गया, और सारी की सारी टेलीकॉम कंपनीज ने 40% से 43% आपके प्लान्स, आपके टैरिफ्स, मोबाइल टैरिफ्स को यहां पे हाइक कर दिया। नाम ये था कि यहां पे हमें नुकसान हो रहा है, हमारा ARPU गिर रहा है, इसलिए हम आपको बढ़ाएंगे। तो टैरिफ्स हाइक हो गए,
रहे, पैसा भी कमा रहे, ज्यादा पैसा भी मिल रहा है। अब जियो दोस्तों जहां पे आयुषी का पैसा देता था, आयुषी का पैसा उसे मिल रहा है, 6 पैसा आपसे तो ले ही रहा है, और यहां से आयुषी की इनकम भी हो रही है। उसके साथ साथ यहां पे टैरिफ्स भी हाइक कर दिए, सारी चीजें दोस्तों जियो के हिसाब से हो रही है, सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ रहा है, लेकिन जियो यहां पे आयुषी चार्जेस नहीं हटा रहा है। जो रिपोर्ट बोल रही दोस्तों सोर्सेस की बात माने तो यहां पे जियो फिलहाल आयुषी चार्जेस नहीं हटाने वाला, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि सब्सक्राइबर उसे छोड़ के नहीं जा रहे हैं, सब्सक्राइबर जो है वो ओके है, उनको जितना मैं दे रहा हूं उतना खुश है, तो यहां पे जियो आयुषी चार्जेस नहीं हटाने वाला जब तक कोई बड़ा यहां पे चेंजेस देखने को ना मिले या सब्सक्राइबर यहां पे छोड़ के चले जाए। जिस तरह से वोडाफोन आइडिया को फिलहाल अभी हालत इतनी खराब है कि लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं जियो के पास और एयरटेल के पास और बीएसएनएल के पास, ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली यहां पे जियो आने वाले टाइम में सोच सकता है, लेकिन फिलहाल दोस्तों जियो आयुषी चार्जेस नहीं हटाने वाला है। अगर आपको आयुषी चार्जेस को, आयुषी दोस्तों अगर आप अदर नेटवर्क पे कॉल करते हैं तब भी आप पे इफेक्ट करता है, अदरवाइज जियो बेस्ट नेटवर्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप अदर नेटवर्क पे कॉल करते हैं, ज्यादातर अगर आप जियो का आपका सिम और आप यहां पे एयरटेल पे वोडाफोन पे आइडिया पे बीएसएनएल पे कॉल करते हैं, तब जाके आपको ये आयुषी वाला चार्ज वाला जो फंडा है ये आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि सिलेक्टेड, क्योंकि जियो के जितने भी प्लान है उसमें सिलेक्टेड मिनट्स आपको दिए जाते हैं, उसके बाद अगर आपने कॉल किया तो 6 पैसा पर मिनट आपको चार्ज लगने वाला है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप यहां पे फिलहाल पोर्ट करके एयरटेल के पास जा सकते हैं, वोडाफोन आइडिया की वैसे हालत खराब है तो आप एयरटेल के पास जा सकते हैं। अगर आप आयुषी मिनट्स ज्यादा कॉल नहीं करते तो जियो के साथ रहिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी फ्रेंड, जो आपका भाई टेक्नोनील आपके लिए लेके आया था कि जियो फिलहाल यहां पे आयुषी चार्जेस हटाने वाला नहीं। अगर आप सोच रहे थे कि 15-20 दिन या 1 महीने मर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, 2020 पूरा चलने वाला है। जियो दोस्तों यहां पे अब कमाएगा डेफिनेटली, पहले उसने फ्री दिया तो अब यहां पे ज्यादा ही कमाएगा, अब यहां पे आयुषी में भी इनकम करेगा, आपसे आयुषी चार्ज भी वसूलेगा। उसके साथ साथ आने वाले दिनों के अंदर ये सारी की सारी कंपनीज फिर से टैरिफ हाइक करने आनी है, मिनिमम फ्लोर प्राइस यहां पे आने वाला है। जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये थी एक बड़ी अपडेट ब्रेकिंग न्यूज कि जियो दोस्तों आयुषी चार्जेस हटाने वाला नहीं, अगर पोर्ट करना तो कर लीजिए, जियो तो फिलहाल दोस्तों कुछ भी यहां पे नया चेंजेस नहीं करने वाला, आयुषी चार्जेस आपके वैसे ही लगने वाले हैं जो अभी तक लग रहे हैं। फ्रेंड्स मुझे बताइए नीचे कमेंट करके क्या आप क्या चाहते हैं कि जियो का आयुषी हटा देना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए, प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो एक थम्स अप तो दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन देखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।